हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, यू आर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोयम, दैट इज अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। तो जैसे हमने बच्चों यस्टरडे भी डिस्कस कि फोटोग्राफ सबको जो है, सब बच्चों को या सबको जो है खिंचवाना और फोटो देखना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब हम कोई फोटो देखते हैं तो हमें हमारी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं और किस तरह से उनमें जो है हम एक जो है मेमोरीज जो है हमारी रिकॉल होती हैं और हम थोड़ा सा टाइम जो है अपना स्पेंड करते हैं, राइट, उसके थ्रू। यहाँ पे भी जो है शर्ले टॉल्सन जो है पोइटस हैं, अपनी मदर की जो है एक पुरानी फोटोग्राफ को देख के किस तरह से वो उसको देख के दुखी भी होती हैं और उनको लगता है कि ये फोटोग्राफ जो है उनकी मदर का पास्ट है और उनके लिए क्या पास्ट है, उनकी जो है हंसी जो फोटोग्राफ में दिख रही है या वो जिस तरह से हंसती थी वो उनका पास्ट है। तो इसी को जो है कल यस्टरडे वी डिस्कस, आज जो है हम इसको ओवरव्यू करते एक देखेंगे और समरी डिस्कस करेंगे, देन वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। तो दिस इज योर फर्स्ट पोयम। तो कैमरे से कोई भी फोटो खिंचवाना, किस तरह से हम जो है पोज देते हैं और किस तरह से स्माइल करते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे शर्ली टॉल्सन है और उनकी टू कजन्स हैं जो कहाँ गई हैं हॉलीडे स्पेंड करने, सी बीच पे गई हैं और वहां पे किस तरह से जो तीनों जो हैं क्या करती हैं, फोटो खिंचवाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है ये फोटोग्राफ दिखाई गई हैं। तो ये पोइटस के बारे में है कि फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। तो कोई भी पोएम करते हैं तो उसी के साइड बाई साइड जो है आप उनका पोएट और पोइटस का नाम जो है याद करते रहे। तो फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। और इसमें दिखाया गया है कि तीनों हैं जो सिस्टर्स हैं, दो कजन सिस्टर्स हैं और बीच वाली जो है बड़ी हैं, जो थोड़ी सी टॉलर भी हैं और इनसे जो है ये दोनों यंगर देन हर, उनसे छोटी हैं। और यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। नाउ कम टू द फर्स्ट स्टैंजा, ऑलरेडी हमने कम्प्लीट कर ली है, आज एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो। तो जब ये पिक्चर जो है इट वॉज टेकन, द एज ऑफ हर मदर वॉज 12 इयर्स ओल्ड, कितने साल की थी, 12 साल की थी। और जो उनके दो कजन्स हैं उन्होंने उनके हाथ हाथ क्या करे होल्ड करके रखा है, ईच वन होल्डिंग हर मदर हैंड, राइट। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड मीन्स द इंस्टेंट फोटो दैट कम्स आउट ऑफ द कैमरा, इट हैज द हार्ड बेस, मतलब एक गत्ता सा हार्ड रहता है जिसमें जो है फोटोग्राफ रहती है। हाउ इट वॉज मीन्स द सिचुएशन एट दैट टाइम, उस समय की सिचुएशन। पैडलिंग मीन्स वॉकिंग विद शॉर्ट स्टेप्स ऑन वाटर, प्रॉपलिंग अ स्मॉल बोट और स्पॉट ऑन वाटर। बिग गर्ल मीन्स द मदर ऑफ द पोइटस, जो बड़ी लड़की है वो कौन है, उनकी मदर है, शी वॉज 12 इयर्स ओल्ड। हियर इज द एक्सप्लेनेशन इन दीज लाइन्स, द पोएट इज लुकिंग, इसको देख रहे हैं, लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो, एक पुरानी फोटो को देख रहे हैं, एल्बम विच इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड। इन द पिक्चर देर आर, कितनी लड़के हैं, देर आर थ्री गर्ल्स हैं और दो जो है उनकी कजन्स हैं और जो बड़ी वाली है वो कौन है, उनकी मदर है। द गर्ल इन द मिडल इज द टॉलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट, जो बीच वाली है मिडल वाली है वो कौन है, पोइटस मदर है और वो दोनों से क्या है ओल्डेस्ट देन हर, यंगर देन हर, और ये क्या है ओल्डेस्ट देन बोथ द कजन्स। द गर्ल इन द मिडल इज द पोइट्स मदर, शी इज अराउंड 12 इयर्स ओल्ड, उस समय जो है वो कितनी, जब पिक्चर ली थी पिक्चर वॉज टेकन, शी वॉज 12 इयर्स ओल्ड, 12 साल की थी। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने थोड़ा आपको जो है ब्रीफ किया है। नाउ इन द सेकंड स्टैंजा, ऑल थ्री स्टूडेंट्स स्टिल, सारी जो है सीधी खड़ी हैं, फोटो खिंचाने समय क्या करते हैं बच्चों, सीधे खड़े हो, स्माइल करो, सब बोलते हैं ना ऐसे। तो सिमिलरली मदर्स जो अंकल थे, हर मदर्स अंकल टुक द फोटोग्राफ एंड टोल्ड देम टू स्टॉप एंड पोज, कि सीधे खड़े हो जाओ सीधे। तो एट दैट टाइम ऑल ऑफ देम, जितने भी थी थ्री जो गर्ल्स थी, स्टूड स्टिल, सीधी खड़ी थी। ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर, और सबने अपने गीले बालों को जो है खुला छोड़ा हुआ था। स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न,
एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट एंड दीज आर द वर्ड मीनिंग. और किस तरह से उन्होंने बताया कि चेंज, जैसे कल भी मैंने बताया कि ह्यूमन स्टेजेस होती हैं, किस तरह से हमारे जो है चेंजेस आते हैं. क्या आप जैसे बचपन में लगते थे क्या वैसे अभी दिखते हैं? थोड़े बड़े होंगे तो और डिफरेंस आएगा, आपके पूरे अपीयरेंस में डिफरेंस आएगा. तो सिमिलरली उन्होंने कहा कि ह्यूमन की जो है मदर में चेंजेस आ गए हैं कि बिफोर, क्योंकि 12 इयर्स की जब थी तब उनकी चाइल्डहुड की फोटो थी और अब जो है काफी चेंज आ गया है, बट जो सी है वो ऑलमोस्ट जो है उसमें लेस चेंज आया है. क्लियर? तो यहाँ पे इन द लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द फोटोग्राफ वाज टेकन. हर मदर्स अंकल टुक द फोटोग्राफ, और किस तरह से उन्होंने फोटोग्राफ ली थी, एंड टोल्ड देम टू स्टॉप एंड पोज. ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल एट द कैमरा. द पोएट्स अटेंशन ड्रॉन टुवर्ड्स हिज मदर्स फेस विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्वीट फेस. जैसे जिसको उन्होंने बोला है कि बहुत, क्योंकि यंग थी तब चाइल्डहुड की फोटो है. द फोटोग्राफ वॉज टेकन बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न. द पोएट कॉल्स देयर फीट टेरिबल. टेरिबली मीन्स ग्रेटली एट फास्ट फीट. ट्रांजिएंट मीन्स अनस्टेडी, जो मूव नहीं करे हैं. स्टूडेंट स्टिल थे, खड़े हुए थे वो लोग. एज दे वर सो यंग बाय देन एंड नाउ दे हैड ग्रोन ओल्डर. ऑन द अदर हैंड द सी विच टच देयर फीट हैज अनचेंज्ड. जो उनके फीट को जो है चेंज कर, जो टच कर रहे हैं वो क्या है, अभी भी वॉश करें या टच करें अभी भी क्या है, अनचेंज है या लिटिल चेंज हुआ है उसमें. जैसे कल हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि समुद्र जो है ऑलमोस्ट जो है ईयर पास होते रहेंगे, हम जो है यंग से ओल्ड हो जाएंगे, बट वो जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा. बट हमारी जो है स्टेजेस जो है चेंज हो जाती होती रहेंगी. कभी चाइल्डहुड से एडल्ट, फिर मिडिल एज में आए, फिर थोड़े से क्या हुए यंग हुए, फिर एडल्ट, लास्ट स्टेज आ जाएगी हमारी, और फिर हम जो एक ह्यूमन चेन होती है. बट जो समुद्र है वो कैसा रहेगा बच्चों, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा. क्लियर? और यहाँ पे जो है वो अपने दो कजन्स की बात कर रही हैं, 20 आफ्टर सम 20-30 इयर्स लेटर. अब 20-30 साल बाद की बात कर रहे हैं. उस समय उनको देख के जो है स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ को देख के उनको क्या आ रही है, हंसी आ रही है. और उनकी मदर कह रही सी बैटी एंड डॉली. तो बैटी एंड डॉली कौन है, उनकी कजन है. शी वुड से एंड लुक हाउ दे, कैसी दिख रही है, उनके ड्रेस सब कैसे हैं, उसको देख के जो है उनको बहुत ज्यादा हंसी आ रही. तो वर्ड मीनिंग से है स्नैपशॉट द फोटो को बोलते हैं हम. लाफ एट मीन्स फाइंड हर ड्रेस एंड अपीयरेंस फनी. द टू कजन्स बैटी और डॉली कौन है, उनकी टू कजन्स हैं. ड्रेस ड्रेस मीन्स पुट ऑन ए कैजुअल ड्रेस फॉर द आउटिंग. जैसे सी बीच में जाते हैं तो किस तरह के ड्रेस पहनते हैं. बीच द थ्री कजन्स, बीच में कौन कौन है, समुद्र के किनारे द थ्री कजन्स सिस्टर्स हैड गॉन टू द सी बीच फॉर एन आउटिंग और हॉलीडे. After 20-30 years, 20-30 साल बाद जब वो उस फोटो को देख रही है उनकी मदर, तो वो जो है किसको, उनको देख के जो है हंसी आ रही है, क्योंकि शी वुड टेल मी टू लुक. और वो उनको बता रही है कि उनकी कजन्स को देखो कि किस तरह से उन्होंने जो है, उनके पेरेंट्स ने, और उन्होंने किस तरह से ड्रेस पहनी हुई है, पैटी वो बैटी एंड डॉली, एंड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस ऑल थ्री ऑफ देम फॉर द बीच. और किस तरह से हमें जो है उन्होंने किस तरह से ड्रेस बनाई है सी बीच में जाने के लिए. दे वुड हैव प्लान टू टेक ए फोटोग्राफ बिफोर है, राइट? तो किस तरह से वो उस फोटो में 20-30 साल बाद, तो उनकी उम्र अप्रोक्स कितनी हो गई होगी, क्योंकि 12 इयर्स पहले जो है उनकी फोटो जो है फोटोग्राफ ली थी, और 20-30 इयर्स लेटर तो 40-50 इयर्स की रही होंगी. और वो उस फोटो को देख के किस तरह से हंस रही है, और किस तरह से बैटी और डॉली की तरफ इशारा करके बोलती हैं कि किस तरह से हमने जो है ड्रेसेस ड्रेसअप करी है. इन द फोर्थ स्टैंजा वो कह रही है कि वॉज हर पास्ट, जो वो फोटोग्राफ में देख रही है अपने आप को, वो जो है उनका पास्ट है. उनका चाइल्डहुड वॉज द पास्ट ऑफ अर मदर. उनकी मदर का क्या है, वो पास्ट है. माइन इज हर लाफ्टर, और जो उनकी हंसी है उस फोटो को देख के, जो 20-30 साल लीटर जो है वो हंस रही है, वो उनका पास्ट है. वो किसका पास्ट है, पोएटस का पास्ट है, राइट? तो शर्ली टॉल्सन का पास्ट क्या है, उनकी मदर की हंसी. और मदर के लिए क्या पास्ट है बच्चों, उनका चाइल्डहुड पास्ट है, राइट? क्या हम उसको दोबारा ला सकते हैं, नहीं ला सकते.
बोथ रे बहुत दोनों के दोनों जो हैं दुखी हैं। अब पोएटस क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनकी मदर की जो है डेथ हो चुकी है। अब उनकी हंसी क्या है, उनके लिए क्या बन गई है, एक पास्ट बन गई है, बीता हुआ पल बन गई है, वो मोमेंट है जो जिसको अब हम जो है दोबारा नहीं ला सकते। और उनकी मदर के लिए पास्ट क्या है, उनका जो है चाइल्डहुड बचपन, जिसको वो जो है दोबारा नहीं ला सकते। तो दोनों का पास्ट है। तो आगे जो है बच्चों क्वेश्चन आएगा कि मदर का पास्ट क्या है, उनका चाइल्डहुड इज द पास्ट, राइट। उनकी डॉटर के लिए पास्ट क्या है, उनकी हंसी, उनकी मदर की हंसी। और दोनों जो है ये सोच के डिसअपॉइंटेड है, दुखी है, क्योंकि उसको जो है दोबारा वो नहीं लाइव कर सकते। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस रे अर्न की मॉकिंग द पोएट रिकॉल्स द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट मोमेंट। जो बचपन था, और बचपन जब वो वहां गए थे सी बीच में गए थे, वो उनकी मदर का जो है फेवरेट पास्ट टाइम था या फेवरेट मोमेंट था फ्रॉम द पास्ट, बीते हुए पलों में से। वाइल द पोएट्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट वॉज, मतलब बीता जो है उसमें से फेवरेट मोमेंट क्या थे, हर मदर्स लाफ्टर, उनकी मदर की जो हंसी थी, राइट। बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट मेमोरीज विच दे कैन नॉट लिव अगेन, जिसको जो है वो दोबारा जो है जी नहीं सकते। उनकी मदर जो है बचपन चला गया उनका, जो समुद्र के किनारे जो उन्होंने फोटोग्राफ खींची थी उसको वो दोबारा जो है नहीं लिव अगेन, राइट। सिमिलरली जो पास्ट था, उनकी मदर की जो हंसी थी वो किसका पास्ट बन चुकी थी, उनकी पोएटस की जो है पास्ट बन चुका था। दोस पुट मेमोरीज विच दे कैन नॉट लिव अगेन, दे ट्राइड देयर बेस्ट ऑफ एडजस्ट, और दोनों जो है अपने अपने समय टाइम पे जो है एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट टू व्हाट दे लॉस्ट, कि उन्होंने जो खोया है, क्योंकि एक बार बच्चपन चला गया तो बचपन में जो हरकतें करते बच्चों, क्या आप अभी कर सकते हो, नहीं कर सकते बचपन में, क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता, इनोसेंटली जो है कुछ भी कर लेते हैं, हंसी मजाक खेल जो है सब मेमोरीज बन जाती है हमारी, राइट। तो वो दोबारा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्टेजेस हैं, जो बचपन में थे हम ग्रोन अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो चीजें नहीं कर सकते जो बचपन में करते थे, या हमारे स्टेजेस जो है अकॉर्डिंग जो है जिस तरह से एडल्ट हो जाते हैं, फेस में रिंकल्ट आ जाते हैं, काफी चेंजेस हो जाते हैं हमारी अपीयरेंस में, बिहेवियर में, तो उसको हम दोबारा जो है नहीं ला सकते अपने जीवन में, राइट। नाउ इन द फर्स्ट फिफ्थ स्टेंजा, लास्ट है, दिस इज योर लास्ट। नाउ शी हैज बीन डेड Nearly as many years, अब काफी साल हो गए उनकी जो है मदर की क्या हो गई है बच्चों, डेथ हो गई। As that girl lived, अब वो अकेली बच गई है, and of this circumstance there is nothing to say at all, क्योंकि एक होता है ना बच्चों, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि मदर का और डॉटर का एक होता है ना कनेक्शन होता है, हम अब सारी बातें किससे शेयर करते हैं, वी शेयर आर एक्सपीरियंसेस, या कोई भी बात होती है स्कूल में किससे शेयर करते हैं, अपने मदर से शेयर करते हैं, तो वो कनेक्शन जो है उनको लग रहा था कि अब जो है आफ्टर हर मदर्स डेथ, तो उन्हें लग रहा था कि अब वो अकेली हो गई है और जो है सब कुछ उनको उनके लिए क्या खत्म हो, सब कुछ खत्म हो गया है, इट्स साइलेंट साइलेंसेस, और उन्हें लगता है कि अब जो है उनके लिए पूरी दुनिया जो है खत्म हो गई है, चारों तरफ क्या रह गया है, साइलेंस एंड साइलेंसेस। इन द अबव लाइंस द पोएट सेज दैट हर मदर डाइड 12 इयर्स एगो, 12 साल पहले, और 20-30 साल में क्या देख रहे थे, वो फोटोग्राफ को देख रहे थे और हंस रहे थे, और कब, 12 साल की उम्र में, राइट। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि 12 साल जो है उसकी मदर को जो है डेथ हुए हो गए हैं, पास्ट हो गए हैं 12 इयर्स। द पोएट सेज दैट हर मदर डाइड 12 इयर्स एगो, द सेम एज हर मदर वॉज इन द फोटोग्राफ, इतने ही साल उनकी फोटोग्राफ में हुए। वेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन, the picture was taken at that time her mother was 12 years old, but ab jo hai unki death hue bhi kitne saal ho gaye bachcho, 12 years, right, her mother died 12 years ago, the same age her mother was in the photograph. Whenever the poet thinks of her mother's death she cannot explain, और जब भी वो अपनी मदर के बारे में सोचती है, उनके डेथ के बारे में सोचती है, जबकि 12 साल हो चुके हैं, यहाँ पोएटस कह रही है she cannot explain that effect she has of her mother's death. अब होता है ना कि
कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक इतना कनेक्शन होता है, इतना अटैचमेंट होता है कि हम जो है भूलना भी चाहते हैं तो नहीं भूल सकते, राइट? तो इतना इफेक्ट जो है, एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट शी हैज ऑफ हर मदर्स डेथ, कि अपनी मदर के डेथ होने का क्या इफेक्ट पड़ा है कि उन्हें लगता है कि उनकी पूरी दुनिया जो है फिनिश हो चुकी है. डेथ हैज साइलेंस हर मदर विच हैज ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस. और डेथ की वजह से जो है चारों तरफ क्या है, शांति है, और वो शांत हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, बट उनके चारों तरफ जो है एक एनवायरमेंट जो है कैसा हो गया, बिल्कुल शांत हो गया. और पोइटस कह रही है मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गई हूँ जैसे स्पीचलेस, कि मेरे लिए बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया है आफ्टर हर मदर्स डेथ. डेथ हैज साइलेंस हर मदर विच हैज ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस. मदर तो साइलेंस हो गई है, डेथ हो चुकी है, बट पोइटस कह रही मैं भी जो है स्पीचलेस हो गई हूँ और मुझे भी जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि वो क्या हो गई, लेफ्ट अलोन, अकेली रह गई है. तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड डॉटर, उसको जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो है आफ्टर हर मदर्स डेथ किस तरह से वो एक लोनलीनेस सा फील करती है और उन्हें लगता है कि एवरीथिंग वाज फिनिश्ड फॉर हर. दिस इज द समरी. द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द मदर्स, टू द पोएटस मदर. एक जो है ये एक ट्रिब्यूट है पोएट का. द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर. पोएटस मदर कौन है यहाँ पे, किसका, किसके लिए हम डिस्कस करें? शर्ली टॉल्सन. शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ अ मदर. अपनी मदर की जो है एक वो पुरानी फोटोग्राफ देख रही है विच हैज अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड. द पिक्चर हैज, अ पिक्चर में क्या है, थ्री गर्ल्स. The picture has three girls in which the middle, और जिसमें बीच वाली कौन है, one is the oldest and the tallest. सबसे oldest है और कैसी है, tallest है, बड़ी है. It is her mother when she was 12 years old. तो बच्चों ये बहुत important poem है. और कितने साल की थी उस समय, वो 12 साल की थी, 12 years old. So beside her on both sides are her two cousins, Betty and Dolly. So what was the name? क्या नाम था उनका cousins का? Betty and Dolly. Who are holding her her hands? उनकी mother का हाथ पकड़ा हुआ था. And are younger than her. They went for paddling on a beach holiday. वो कहाँ पे गए थे? Holiday में, beach में गए थे, sea beach में, और वहाँ paddling कर रहे थे. Her uncle took the photograph then. The poet could not help her but notice her. तो यहाँ पे poet कह रहे हैं कि the poet could not help but notice her mother's sweet face. क्योंकि help नहीं कर सकते क्योंकि photo कब की थी? Poet के, poetess के born होने से पहले की थी. Before she was born. Terribly transient feet which depicted that she changed over the years. और उससे पता चल रहा था कि वो जो है समय के साथ जो है उनमें change आ गया है. But जो समुद्र है, सी है, वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, रिमेन सेम. आफ्टर 20-30 इयर्स लेटर, अब 20-30 साल बाद, हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ. और वो उस फोटो को देख के जो है उन्हें हंसी आ रही है क्योंकि उनको जो है अपना पास्ट याद आ रहा है, राइट? तो उनका पास्ट क्या था, उनका चाइल्डहुड. She would make the poet look at the photograph and tell her how they paint. और उस फोटोग्राफ को दिखा के वो बता रहे कि उनके पेरेंट्स ने किस तरह से बीच हॉलीडे में जाने के लिए उनको ड्रेस बनाई थी. The beach holiday was her mother's favorite pastime. तो it is a very important line कि वो जो है बीच हॉलीडे स्पेंड करना उनकी मदर का क्या था, फेवरेट पास्ट मोमेंट था, मेमोरीज थी. While her laugh was the poet, और उनकी हंसी जो है किसका फेवरेट मेमोरी बन गई थी, पोएटस की. Both of them lost something which they cherished a lot and they yet cannot live that moment again. और दोनों जो है बहुत ज्यादा जो है जैसे हमने पोएम में पढ़ा था कि खुश नहीं थे क्योंकि ये मोमेंट जो है वो दोबारा नहीं देख सकते थे क्योंकि उनकी मदर को मरे हुए कितने साल हो गए थे, 12 इयर्स. तो उसके बाद जो है उनकी हंसी जो है उनका पास बन गई थी पोएटस को. और जब उनकी मदर उस फोटोग्राफ को देख रही थी तो उनके लिए वो पास था सी बीच का,
राइट, दो स्वीट मेमोरीज वर मेमोरीज नाउ, पर अब जो है वो यादें रह गई थी क्योंकि उनकी मदर की भी डेथ हो गई थी, जिनके लिए उनका चाइल्डहुड जो है पास्ट बन गया था, और जो उनकी हंसी थी वो किसका पास्ट टाइम था, फेवरेट मोमेंट्स ऑफ पोएटस। नाउ द पोएट्स मदर हैड बीन डेड फॉर द पास्ट 12 इयर्स, 12 साल हो गए थे, विच इज द सेम नंबर एज हर एज व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन बैक देन। और दोनों की उम्र मरे हुए उनको 12 इयर्स हो गए थे, और फोटो जब इट वाज टेकन एट दैट टाइम शी वाज 12 इयर्स ओल्ड, तो 12 सेम नंबर था। शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी वाज फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंट, और वो जो दुख था उनको वो जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा वो दुखी थी, सैड थी, क्योंकि वो क्या रह गई थी, लोनलीनेस जो है उनको ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ सब कुछ जो है एवरीथिंग वाज फिनिश आफ्टर हर मदर्स डेथ। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस पोयम, इट इज अ वेरी सिंपल और इंटरेस्टिंग है, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे पोएटस ने जो है अपना जो है यहाँ पे डिपिक्ट करा है कि किस तरह से जो रिलेशन है कि मदर की डेथ के बाद जो है उनको हर चीज जो है साइलेंट दिख रही थी, और कुछ करने का होता है ना कि एक अटैचमेंट था, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मदर के साथ जो वो शेयर करती थी अपनी बातें, तो लोनलीनेस और उनको जो है फील हो रहा था कि चारों तरफ जो है साइलेंस और साइलेंस एवरीथिंग, उन्हें ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग वॉज फिनिश फॉर हर। तो दिस इज द पोयम, राइट। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों जिस टाइप के जो है एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है पोएम से जो आता है आपको बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको स्टेंजा वाइज दिए रहते हैं, स्टेंजा दिया रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहते हैं, और आपको जो है टू द पॉइंट आंसर देने, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं देने। और सेकेंड टाइप के क्वेश्चन किससे आते हैं, 20-30 वर्ड्स के। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hands and she the big girl some 12 years or so. So now first question is what is the word cardboard? Ab pehla jo hai word kya hai yahan pe, cardboard, pehla question yahi hai ki cardboard kis cheez ko denote karta hai in the poem, why has the word been used, aur is word ko yahan pe kyun used kar. तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी, द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द इंस्टेंट फोटो और स्नैपशॉट। तो कार्डबोर्ड जो है यहाँ पे यूज हुआ है इंस्टेंट फोटो या स्नैपशॉट के लिए, दैट इज पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड इन द फोटो फ्रेम। जैसे हम जो है एक फोटो फ्रेम में जो है उसको पेस्ट कर देते हैं, तो दिस इज द आंसर व्हाई वाज दिस वर्ड यूज। तो एक स्नैपशॉट है और कार्डबोर्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि इसको हम पेस्ट कर देते हैं ऑन कार्डबोर्ड इन द फोटो फ्रेम। हु वर द थ्री गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ, अब तीन लड़कियां कौन कौन सी थी, तो बच्चों पहले द थ्री गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ वर द मदर ऑफ द पोएटस। एक तो कौन थी जो सबसे बड़ी थी, मदर ऑफ द पोएटस, पोएटस की जो है मदर थी। दो उनकी कजन थी, उनके नाम क्या थे, नॉट मैरिड देन, उस समय जो है किसी की शादी नहीं हुई थी, और जैसे मैंने पहले बताया था सबसे बड़ी कौन थी, पोएटस मदर एंड शी वॉज 12 इयर्स ओल्ड, एंड हर टू कजन्स, और दो उनकी कजन थी, एक बेटी एंड डॉली। तो तीन लोग कौन कौन थे वहां पे, द थ्री गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ वो द मदर ऑफ द पोएटस, और दो कौन थी, एंड हर टू कजन्स बेटी एंड डॉली। तो उनकी कजन्स का नाम क्या था, बेटी एंड डॉली। थर्ड क्वेश्चन, तो टू द पॉइंट आपको आंसर देना, ये नहीं कि बहुत लंबा देंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, एक नंबर के होते हैं, तो टू द पॉइंट आंसर दें उनका। थ्री गर्ल्स का नाम पूछा है, तो थ्री गर्ल्स जो है कैप्चर थी उनके नाम लिख दो, एक मदर्स जो है मदर ऑफ द पोएटस, टू गर्ल कजन थी बेटी एंड डॉली। वेयर हैड दे गॉन फॉर आउटिंग और पैडलिंग, कहाँ गए थे वो आउटिंग या पैडलिंग करने, सी बीच। They had gone out for sea holiday. They were photographed on the sea beach. और समुद्र के जो है किनारे के तरह से उन्होंने एक फोटोग्राफ ली। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बच्चों एग्जाम्स में आते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा, नाउ लेट्स गो टू सेकेंड स्टैंजा। दिस इज योर सेकेंड स्टैंजा,
some 20, 30 years later. She would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. She would say, and look how they dress us for beach. Now come to the first question, that is the poetess mother. अब यहाँ पे पोइटर्स की मदर जो है लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, उस फोटोग्राफ को देख के किसी से हंस रही है. व्हाट डिड हर लाफ इंडिकेट? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों कि उनकी जो लाफ है क्या इंडिकेट कर रही है यहाँ पे. द मदर ऑफ द पोइटर्स वॉज एट दैट टाइम सम 12 इयर्स ओल्ड. कितने साल की रही होंगी? 12 इयर्स की, जैसे हम डिस्कस करते आ रहे. नाउ आफ्टर 20-30 इयर्स, अब 20-30 इयर्स द मदर कैन नॉट हेल्प laughing at her own picture in a casual holiday costume. और जो उन्होंने costume पहना था उस पर जो है उनको थोड़ा सा जो है हंसी आ रही थी. When was the snapshot taken? Snapshot कहाँ ली थी बच्चों? The snapshot was taken on the sea beach by the poetess uncle some 20-30 years ago. अब 20-30 साल बाद देख रहे थे वो, तो ये कहाँ की फोटो थी? खाली सिंपल सा भी आंसर दे सकते हैं. द स्नैपशॉट वॉज टेकन बाय द पोइटस अंगल, कहाँ पे ली थी? सी बीच में, ऑन द सी बीच, राइट. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, हु हैड ड्रेस्ड द स्पीकर, व्हाट वॉज फनी अबाउट द ड्रेस? द पोइटस मदर हैड बीन ड्रेस्ड फॉर द हॉलीडे बाय हर टू, किसने करा था? बाय टू कजन्स, Betty and Dolly, all the three were dressed in a girlish beach dresses. जैसे हम सब उधर के जो है सी बीच भी जाते हैं और किस तरह की ड्रेस पहनते हैं, उसी टाइप की जो है उन्होंने ड्रेस पहनी. Now, next standard guy, the sea holiday. Was her past? Mine is her laughter. Both ray with the labored ease of loss. So what is the first question? What is the significance of the sea holiday? Here, the significance of the sea holiday is that the mother was also a girl once and it refers किसको कहते हैं, to a happy moment in her life on the sea beach. तो ये हमें क्या significance देते हैं, क्या indicate करते हैं, significance करते हैं. Sea holiday में जो है mother कैसी थी? Was a girl, एक लड़की थी once and it refers a happy moment. इन हर लाइफ, अपनी लाइफ के जो है अच्छे मोमेंट थे सी बीच. अब यहाँ पे एक लाइन को जो है एक्सप्लेन करना है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और मे भी जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं. द सी हॉलीडे वॉज हर पास, कई बार मैंने इसको रिपीट किया है. माइन इज हर लाफ्टर, तो ये वाली लाइन किसके लिए है? पोइटर्स के लिए है. और ये वाली लाइन क्या है, किसके लिए है? पोइटर्स की मदर के लिए, राइट. द मदर हैड सीन हर फोटो टेकन 20-30 इयर्स अर्लियर व्हेन शी वॉज जस्ट 12 इयर्स ओल्ड. अब 20-30 साल बाद देख रहे हैं जो उससे पहले ली गई थी, 20-30 साल पहले, राइट. जब वो कितने साल की थी? 12 इयर्स की थी. तो अब कितनी रही होंगी? 30 के, अभी अगर हम अराउंड 30 प्लस करते हैं तो 42 इयर्स की. और तब वो फोटो देख रही है, सो दैट फोटोग्राफ डिनोटेड हर ओन पास्ट, और वो फोटो जो है उनका पास्ट दिखा रही थी, उनका चाइल्डहुड दिखा रही थी, राइट. बट द पोइटस हु हैड हर्ड हर मदर लव इज ऑल्सो बिलीव द मदर हैज पास्ड अवे. अब उनकी मदर जो है नहीं रही है, अब उनकी हंसी जो है क्या है, उनके लिए जो है पास्ट बन गई है, पोइटस के लिए पास्ट बन गई है, राइट. हु डज बोथ हेयर रेफर टू, अब बोथ किसके लिए यूज हुए हैं? हेयर रेफर्स टू द फोटोग्राफ एंड द मदर्स लाफ्टर. एक वर्ड है ना यहाँ पे यूज हुए हैं, बोथ हेयर रेफर टू. तो बोथ वर्ड किस लिए यूज हुए हैं? बोथ रे फोटोग्राफ एंड मदर्स लाफ्टर, क्योंकि फोटोग्राफ क्या है, उनका पास्ट है, और जो उनकी हंसी है वो किसके लिए पास्ट है? पोइटस की, पोइटस के लिए, क्लियर. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा क्या है? नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ हिज सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. Now first question क्या है? How many years ago had the poet's mother died? अब same number है जैसे मैंने पहले भी बताया था. जब when the photograph was taken, she was 12 years ago. अब जब बात कर रही हैं poet's, तो उनको death हुए कितने years हो गए? 12 years. It is some 12 years since the poet's
मदर पास्ट अवे, उनको जो है डेथ हुए कितने टाइम हो गया, 12 इयर्स. व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू? दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द मदर. उनकी मदर का जो उन्हें शॉक एक हो जाता है ना, शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई दुखी हो जाते हैं कि मदर की डेथ हो गई, किससे बात करेंगे, किससे मैं अपनी बातें शेयर करूंगी. तो स्पेशली जो है लड़कियां जो है ज्यादा अटैचमेंट रहता है इमोशनली, तो उनके लिए जो है ऐसा लग रहा था उनको कि एवरीथिंग वॉज फिनिश, सब कुछ खत्म हो गया है. एक्सप्लेन इट साइलेंस एंड साइलेंसेस, मतलब इस लाइन को भी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे. द मदर्स वॉइस हैज बीन साइलेंस फॉर एवर, क्योंकि हमेशा के लिए उनकी आवाज जो है क्या हो गई है, साइलेंट हो गई है. क्लियर? क्योंकि अब जो है वो दोबारा जो है नहीं आ सकती. और वॉइस हैज बीन साइलेंस फॉर एवर, द फोटो कैन नॉट लाफ. और जो हंसी थी फोटोग्राफ में वो दोबारा उनको जो उसको देख के जो है हंस रही थी वो कभी नहीं आ सकती. द पोइटस ऑल्सो फील्स डिप्रेस्ड, और पोइटस जो है अपनी मदर के डेथ के बाद जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि उनकी मदर की जो वॉइस थी हैज बीन साइलेंस फॉर एवर, दोबारा वो सुन नहीं सकती थी, उनकी हंसी को वो सुन नहीं सकती थी. दैट इज व्हाई शी वाज वेरी डिप्रेस्ड एंड स्पीचलेस. तो यही क्वेश्चन जो है मे बी 20-30 वर्ड में आएंगे, तो आप इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते. नेक्स्ट है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कार्डबोर्ड पिक्चर कैप्चर? अब इट इज वेरी सिंपल, आपको आता भी होगा आंसर कि व्हाट इज द कार्डबोर्ड पिक्चर पिक्चर कैप्चर्ड, कौन सी पिक्चर कैप्चर करी थी उन्होंने, 3 गर्ल्स की करी थी. और व्हाट इज द आंसर, द कार्डबोर्ड स्नैपशॉट कैप्चर्ड द हैप्पी फेसेस ऑफ 3 कजन्स. जो 3 कजन्स कौन कौन सी क्या करी थी, वो एंजॉइंग अ सी हॉलीडे. तो इट इज वेरी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन दिए मैंने एक्स्ट्रा. व्हाट डू यू थिंक मेड द पॉइंट, इस तरह से अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी जो है पोएम क्लियर हो जाएगी. व्हाट डू यू थिंक मेड द पोएटस मदर लाफ, आपको क्या लगता है कि पोएटस की मदर जो है क्यों लाफ रही थी? लेट्स सी द आंसर. फनी ड्रेस को देख के जो सी बीच में उन्होंने पहनी थी 12 इयर्स एट द एज, ही लुक्स एट द एज ऑफ 12 एंड हर प्रीटी बीच ड्रेस एज कैप्चर्ड इन द फोटो मेड हर लाफ. और उसको देखकर जो है उनको हंसी आ रही थी कि किस तरह से उन्होंने सी बीच में जाने के लिए जो है प्रीटी ड्रेस पहनी थी. राइट, वेन एंड वेयर वर द 3 कजन्स फोटोग्राफ्ड, अब कहाँ खींची थी, वेन एंड वेयर कब और कहाँ? तो ऑब्वियस है कहाँ पे खींची थी, सी हॉलीडे के लिए गए थे वो और सी बीच पे फोटोग्राफ थी. द 3 गर्ल्स वर फोटोग्राफ By their uncle on the sea beach. कहाँ खींची थी? Sea beach में. They had gone there on a pleasure trip. They stood in the shallow water and sea waves washing their feet. तो पूरा enjoy कर रहे थे और किस तरह से पानी जो है उनके ऊपर से जा रहा था. Right? तो when and where? तो answer is clear. What does the poetess mean by their terribly transient feet? The dictionary meaning of the word transient is brief and fleeting. The 3 girls were of a growing age. They understand notable changes as time passed, but the sea suffered. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि ह्यूमन बींग्स के हमारी स्टेजेस होती है और एक समय आता है जब हमारी जो है लाइफ का एंड हो जाता है, बट समुद्र जो है सालों जो है एक साथ जो है वहां पे स्टिल रहता है, कितनी जनरेशन पास हो जाते हैं बट वो जो है अनचेंज्ड अभी भी, मतलब एक जो है कभी खत्म नहीं होता. एक्सप्लेन द सी हॉलीडे वॉज हर पास माइनस हर लाफ्टर, इट इज कई बार आई हैव रिपीटेड. डिटरमिनर हर एट बोथ प्लेसेस रेफर्स टू द पोएटस मदर, द पिक्चर टेकन ड्यूरिंग द सी हॉलीडे इयर्स. जैसे उनका जो चाइल्डहुड था वो जो उनका पास्ट था, और पोएटस का पास्ट क्या था, उनकी मदर की हंसी. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, और वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. और जिस तरह से एग्जाम्स में आते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करें, और अगर फिर भी जो है इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको क्लियर कर सकते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोएम. दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.